बहुत मेहनत मांगता है, बहुत। हम मेहनत करते हैं, पर इस सफलता की उड़ान भरने में हम कुछ चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो बाद में मदद करती हैं, और सही बात है, वो करती ही हैं। पता नहीं क्यों हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने में शर्माते हैं। और वो जो चीज़ है वो है रिश्ता या बंधन। तीन ऐसे बंधन हैं मैं मानता हूँ जो हमें हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे हम ज़िंदगी में कामयाब हों या ना हों। और वो तीन बंधन हैं माँ, पिता और शिक्षक का। आज मैं प्रभात कुमार, मैं मोहम्मद दानिश, आप लोगों के बीच माँ को बड़ी छोटे से शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करना चाहते हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना मेरे साथ रहता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबों के समक्ष एक कहानी पेश करना चाहता हूँ। एक बार की बात, एक बूढ़ी माँ करीबन 2 दिनों से एक मंदिर में भूखे प्यासे बस अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। रोज वहाँ के पुजारी उसे कहते थे, ओ माँ कुछ खा लो वरना तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। लेकिन वो माँ वहाँ से हिली नहीं। तीसरे दिन वहाँ उस मंदिर में एक बहुत बड़े पुजारी की आना हुआ। उन्होंने उस माँ से पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं। उस माँ ने जवाब दिया कि मेरे बच्चे घूमने गए हुए हैं और घर पे कोई नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं मंदिर में आ गई। कुछ देर के बाद वो पुजारी जाके बाहर लोगों से पूछते हैं, क्या वो औरत सही बोल रही थी। लोगों ने जवाब दिया, नहीं, उनके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए करीबन 2 दिनों से मंदिर में बैठी एक ही बार में सिर्फ एक ही बात कह रही है, हे भगवान मेरे बच्चों को खुश रखो। इसलिए कवि ने कुछ इस प्रकार से माँ को प्रभाषित किया है, चोट खाकर भी हमें खिलाने की ताकत उस परम परमेश्वर ने तुम्हें ही तो दी है। बिना जाने हमारे मन को पढ़ने की शिक्षा उस परम परमेश्वर ने तुम्हें ही तो दी है। जब हम घर से परीक्षा के लिए निकलते हैं, तुम दही सी भरी कटोरी लेकर सामने खड़ी हो, शगुन बन जाती हो। जरूर पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों होता है? हम क्यों अपनी माँ को अपनी जिंदगी के एक हिस्सा बनाने में क्यों शर्माते हैं, क्यों हम कतराते हैं? ये वही माँ है जिसने 9 महीने दर्द में रहकर हमें जन्म दिया है। याद दिला दूं, ये वही माँ है जो हर एक चोट पे रोती थी। ये वही माँ है जो हमें जिंदगी भर कलेजे से लगाए रखती है। फिर भी हम क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों कतराते हैं? क्या इतने नीच हो गए हैं हम? जी नहीं। इसलिए हम दोनों आपके समक्ष कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि माँ क्या होती है, माँ क्या होती है। कविता कुछ इस तरह से है, माँ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू की बास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ
मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों की जाप है, माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है, माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है, माँ झूलते दिलों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ कलम है, दवात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ भूख से ठंडा किया हुआ कलेवा है, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है, माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है, माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। वो माँ की ये कथा अनादि है, वो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ के जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व इस दुनिया में से कम हो नहीं सकता, माँ का महत्व इस दुनिया में से कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। हम इन पंक्तियों को माँ के नाम करते हैं, हम इन पंक्तियों को माँ के नाम करते हैं, हम इस दुनिया की सारी माँ को प्रणाम करते हैं।